गुड मॉर्निंग चिल्ड्रेन, टुडे वी आर गोइंग टू डू ऑब्जेक्टिव्स ऑफ चैप्टर 6 वर्कशीट। सी बच्चों, फर्स्ट फिल इन द ब्लैंक्स। फर्स्ट वन इज फिल इन द ब्लैंक्स। नंबर वन, देर आर 8 प्लैनेट्स इन द सोलर सिस्टम। बच्चों हमने सीख लिया है कि सोलर सिस्टम में टोटल कितने प्लैनेट्स है, 8 प्लैनेट्स। देर आर 8 प्लैनेट्स। अ ग्रुप ऑफ स्टार्स दैट फॉर्म अ रिकॉग्नाइजेबल शेप इज इन द स्काई इज नोन एज कॉन्स्टिलेशन। कॉन्स्टिलेशन क्या है बच्चों? अ ग्रुप ऑफ स्टार्स इन सेम शेप, एवरी डे वी आर सीइंग इन द स्काई एट द सेम शेप, इट इज कॉल्ड कॉन्स्टिलेशन। स्पेलिंग क्या है बच्चों? CONSTELLATION, कॉन्स्टिलेशन। अ ग्रुप ऑफ स्टार्स दैट फॉर्म्स अ रिकॉग्नाइजेबल शेप इन द स्काई इज नोन एज कॉन्स्टिलेशन। नाउ बच्चों नंबर 3, सी इन 3, द अर्थ इज अ पार्ट ऑफ द मिल्की वे। बच्चों मैंने मिल्की वे आपको ड्रॉ करना सिखाया है, तो हमारा अर्थ है वो वन ऑफ द पार्ट ऑफ मिल्की वे। मिल्की वे का एक पार्ट है। एस्ट्रोनॉट्स वेयर स्पेशल ड्रेसेस कॉल्ड स्पेस सूट्स। एस्ट्रोनॉट क्या पहनते हैं? उसका स्पेशल ड्रेस जो होता है उसको बोलते हैं स्पेस सूट्स। वो जब स्पेस में जाते हैं तब उनको यही ड्रेस पहन के जाना पड़ता है। दे हैव टू वियर देयर स्पेस सूट्स ओनली व्हेन दे गो इन द स्पेस। एट नाइट वी सी स्मॉल स्पेक्स ऑफ लाइट कॉल्ड स्टार्स। अब रात को हम छोटे छोटे लाइट के जो स्पेक्स दिख रहे हैं उसको बोलते हैं स्टार्स। दे आर वेरी फार फ्रॉम अस। बच्चों हमारे से बहुत ही दूर है इसीलिए वो हमको छोटे छोटे दिखते हैं। एंड दे हैव लाइट मोर लाइक सन बट दे आर वेरी फार फ्रॉम अस सो इट लुक्स वेरी स्मॉल। सुमिता विलियम्स स्टेड इन द स्पेस फॉर 121 डेज। सुमिता विलियम्स जो है वो स्पेस में कितने दिन रही थी? 121 डेज। शी वॉज द रेकॉर्ड मेकर ऑफ स्टेइंग लॉन्गेस्ट टाइम इन द स्पेस। सबसे ज्यादा लंबा समय तक रहने वाली सुमिता विलियम, जिसने रिकॉर्ड बनाया है ज्यादा टाइम तक स्पेस में रहने का। द सन इज ओवर अ मिलियन टाइम्स बिगर देन द अर्थ। अब सन जो है वो अर्थ से मिलियन टाइम बिगर है। द अर्थ इज ऑल्सो नोन एज अ ब्लू प्लेनेट। अब बच्चों अर्थ को ब्लू प्लेनेट भी बोला जाता है। क्यों बच्चों ब्लू प्लेनेट? बिकॉज आवर अर्थ इज सराउंडेड बाय 3 पार्ट्स ऑफ वाटर एंड ओनली 1 पार्ट इज लैंड। सो वाटर कलर इज ब्लू, सो अर्थ इज ऑल्सो नोन एज ए ब्लू प्लेनेट। द बॉल लाइक ऑब्जेक्ट्स मूविंग अराउंड द सन आर कॉल्ड प्लेनेट्स। अब जो बॉल जैसा ऑब्जेक्ट्स सन के पूरे फिरते घूमते हैं दे आर नोन एज प्लेनेट्स। प्लेनेट्स बच्चों जो है वो सन के पूरी साइड घूमते रहते हैं। अ हिल इज हायर देन द सराउंडिंग लैंड। अब हिल जो होता है वो उनके आजू बाजू जो लैंड होता है उससे थोड़ा हाई होता है, और हिल से जो ज़्यादा हाई है वो है माउंटेन। अ डेजर्ट इज अ लार्ज एरिया कवर्ड विथ सैंड। अब बच्चों डेजर्ट्स में क्या होता है? डेजर्ट में पूरा एरिया जो है
वो सेंड से कवर किया है, वहां मिट्टी देखने नहीं मिलती, वहां पे सेंड पूरी जगह पे सेंड होता है। द अर्थ कंसिस्ट ऑफ एयर वाटर एंड लैंड। हमारा जो अर्थ है उसमें क्या क्या चीजें बच्चों, एयर है, वाटर है एंड लैंड है। इट कंसिस्ट ऑफ एयर वाटर एंड, विदाउट एयर वी कांट लिव, विदाउट वाटर वी कांट लिव, एंड इफ देर इज नो लैंड देन वी कैनॉट लिव। देर आर वेरियस लैंड फॉर्म्स ऑन अर्थ सच एज प्लेन्स, हिल्स, देन माउंटेन्स एंड डेजर्ट। बच्चों लैंड फॉर्म्स आपको पता है, लैंड फॉर्म्स बहुत सारे हैं, उसमें प्लेन आता है, हिल आता है, ये ब्लैंक में हमने माउंटेन लिखा, डेजर्ट है, प्लेट्यू है, ये सब हमारा लैंड फॉर्म्स है। ओशियन सीज, रिवर स्ट्रीम्स, लेक्स एंड पॉन्ड्स आर एग्जाम्पल ऑफ वाटर। अब ओशियन सीज, रिवर स्ट्रीम ये सब क्या है बेटा, वाटर बॉडीज है जिसमें पानी भर के भरा हुआ रहता है, रिवर में, स्ट्रीम में, सी में, ओशियन में, लेक में, पॉन्ड्स में, आर एग्जाम्पल ऑफ वाटर बॉडीज ऑन द अर्थ। नाउ सी बच्चों, वील सी ट्रू और फॉल्स। इफ इट इज ट्रू देन इट इज करेक्ट, फॉल्स देन व्हाई इट इज फॉल्स आई विल एक्सप्लेन यू। एस्ट्रोनॉट्स रिसीव स्पेशल ट्रेनिंग टू गो टू स्पेस। तो बच्चों ये ट्रू है, एस्ट्रोनॉट्स को स्पेशल ट्रेनिंग मिला जाता है स्पेस में जाने का। एस्ट्रोनॉमी इज द स्टडी ऑफ स्टार्स एंड अदर सेलेस्टियल बॉडी। अब एस्ट्रोनॉमी क्या है, वो स्टडी ऑफ स्टार्स और हमारे हेवनली बॉडीज जो है उसके बारे में जो स्टडी करता है उसको बोलते हैं एस्ट्रोनॉमी। तो इट इज ट्रू। इट इज सेफ टू स्टेप आउटसाइड अ स्पेस क्राफ्ट विदाउट स्पेस सूट। अब ये सेफ है, स्पेस क्राफ्ट में जाना है तो स्पेस सूट बिना जा सकते हैं। तो इट इज फॉल्स बच्चों, स्पेस सूट बिना नहीं जा सकते, क्योंकि स्पेस सूट्स में ऑक्सीजन होता है, विदाउट ऑक्सीजन दे कांट गो अप बिकॉज देर इज नो एयर इन द स्पेस, सो दे हैव टू कैरी ऑक्सीजन गैस विद देम। सो इट इज सेफ, यहाँ पे सेफ दिया है तो इट इज रॉन्ग। इट इज नॉट सेफ टू गो आउटसाइड विदाउट अ स्पेस सूट। देर आर 7 प्लैनेट्स मूविंग अराउंड द सन। बच्चों ये भी फॉल्स है, क्योंकि 7 प्लैनेट्स नहीं है, कितने प्लैनेट्स होते हैं, 8 प्लैनेट्स। देर आर 8 प्लैनेट्स मूविंग अराउंड द सन। देर आर मैनी गैलेक्सीज इन द यूनिवर्स दैट आर ऑफ डिफरेंट शेप एंड साइजेस। अब डिफरेंट डिफरेंट गैलेक्सी होती है, उनके डिफरेंट डिफरेंट शेप और साइज भी डिफरेंट डिफरेंट होते, दे आर डिफरेंट शेप एंड साइज ऑफ गैलेक्सी इन यूनिवर्स। सो इट इज ट्रू। लाइका डॉग वॉज द फर्स्ट एनिमल टू बी सेंड टू द स्पेस इन 1957। अब लाइका नाम का जो डॉग है वो स्पेस में सबसे पहला एनिमल जाने वाला एनिमल था, वो कब गया, 1957 में। सो बच्चों ये भी ट्रू है। मिल्की वे इज ऑल्सो नोन एज ए आकाश यमुना। बच्चों ये फॉल्स है, क्यों फॉल्स है, इसको आकाश यमुना क्यों बोलते हैं, मिल्की वे जो है वो आकाश गंगा है, यमुना नहीं है, उसका दूसरा नाम क्या है, आकाश गंगा, यहाँ पे यमुना दिया है इसीलिए ये फॉल्स है। अ ग्रुप ऑफ स्टार्स दैट फॉर्म अ रिकॉग्नाइजेबल शेप इन द स्काई इज नोन एज ए कॉन्स्टिलेशन। तो बच्चों ये ट्रू है, जो ग्रुप ऑफ स्टार्स आकाश में हमको दिखते हैं, स्काई में दिखते हैं, वो उसको कॉन्स्टिलेशन बोलते हैं, तो इट इज ट्रू। द सन इज ओवर अ मिलियन टाइम्स बिगर देन द अर्थ। तो बच्चों ये भी ट्रू है, सन जो है
वो मिलियन टाइम अर्थ से बिगर है. सो इट इज ट्रू. द इंस्ट्रूमेंट यूज टू ऑब्जर्व सेलेस्ट्रियल बॉडीज इज कॉल्ड कंप्यूटर. अब इंस्ट्रूमेंट जो सेलेस्ट्रियल बॉडी को दूर देखने के लिए जो इंस्ट्रूमेंट यूज होता है उसको बोलते हैं कंप्यूटर. तो बच्चों इट इज रॉन्ग. कंप्यूटर नहीं है वो, क्या है? टेलीस्कोप. यहाँ कंप्यूटर दिया है इसीलिए ये फॉल्स है. टेलीस्कोप की जगह पे कंप्यूटर की जगह पे टेलीस्कोप आना चाहिए. देर आर 9 प्लैनेट्स इन द सोलर सिस्टम. तो बच्चों ये भी फॉल्स है. कितने प्लैनेट्स होने चाहिए? 8. देर आर 8 प्लैनेट्स. पहले 9 थे बट जो प्लूटो है वो कम हो गया. स्टार्स आर द ह्यूज बॉल्स ऑफ फायर. तो इट इज ट्रू. स्टार्स जो है वो फायर के बड़ा बॉल है, फायर जैसा ह्यूज बॉल ऑफ फायर. बट वो हमारे से दूर है इसलिए हमको वो छोटे छोटे दिखता है. और जो सन है वो हमारे पास में है इसलिए वो हमको बड़ा दिखता है. बॉल्स लाइक सेलेस्ट्रियल बॉडीज मूव अराउंड द सन आर कॉल्ड प्लेनेट्स. अब सेलेस्ट्रियल बॉडीज के पूरे घूमते रहते जो बॉल लाइक ऑब्जेक्ट्स है वो क्या है? प्लेनेट. तो बच्चों ये भी सही है. इट इज ट्रू. नाउ बच्चों नेक्स्ट है दूसरा पेज पे. कल्पना चावला वॉज द फर्स्ट इंडियन वुमन टू विजिट द स्पेस. तो वो सही है. कल्पना चावला सबसे पहली वुमन थी स्पेस में जाने वाली. सुनीता विलियम स्टेड इन द स्पेस फॉर 240 डेज. तो बच्चों ये फॉल्स है. 240 डेज नहीं, वो 121 डेज रही थी. नाउ जंबल वर्ड इज गिवन फ्रॉम द यू टू डिवाइड देम इनटू टू पार्ट्स. एक बाजू प्लैनेट से, एक साइड लैंडफॉर्म से. जो प्लैनेट्स है उसको प्लैनेट्स की साइड लिखना है, जो लैंडफॉर्म से उसको लैंडफॉर्म की साइड. मर्क्यूरी तो मर्क्यूरी प्लैनेट से. वीनस तो वीनस प्लैनेट है. माउंटेन्स तो वो लैंडफॉर्म है. देन हिल तो वो भी लैंडफॉर्म है. मार्स तो वो प्लैनेट है. डेजर्ट वो लैंडफॉर्म है. रिवर्स तो वो लैंडफॉर्म है. नेपच्यून तो वो प्लैनेट है. प्लेट्यूस तो वो लैंडफॉर्म है. देन है यूरेनस. तो यूरेनस है वो प्लेनेट है. तो बच्चों इसे जंबल वर्ड दिया होगा, उसमें से आपको दो पार्ट में डिवाइड करना है. अभी यहाँ पे पिक्चर दिया है. ए बी ए एप्पल, बी बॉल, सी कैट, डी डॉग, ई एलिफेंट, एफ फिश, जी ग्रेप्स, एच हेन, आई आइसक्रीम, जे जैकेट, के काइट, एल लायन, एम मंकी, एन नेस्ट, O for orange दिया है, P for parrot, Q for queen है, R for rabbit है, S for sun है, T for tree है, U for umbrella है, V for van है, W for watch है, X for Xmas है, Y for yacht है और Z for zebra दिया है. तो यहाँ पे जो picture दिए है उसका alphabet हमको first लिखना है. First picture is of sun. तो sun कहाँ पे? S. तो पहले हम यहाँ पे लिखेंगे S. देन अम्ब्रेला, तो अम्ब्रेला कहाँ पे? यू पे. तो हम लिखेंगे यू. देन है रैबिट, रैबिट कहाँ पे है? आर पे. तो आर. देन एप्पल, तो ए, तो हमने लिखा ए. देन जैकेट, तो जैकेट में जे, तो जे. ये नाम क्या बन गया? एस यू आर ए जे, सूरज. उसके बाद बच्चों है नंबर टू, ये भी देखो. पैरेट तो पी, लायन तो एल, एप्पल तो ए, एन तो नेस्ट, एलिफेंट तो ई, ट्री तो टी. तो ए बन गया प्लेनेट. उसके बाद है बच्चों एक ग्रेप्स का पिक्चर है, दिखता नहीं है बट मैंने ड्रॉ किया है. तो जी. फिर रैबिट तो आर, एप्पल तो ए, पैरोट तो पी, एलिफेंट तो ई. तो जी आर ए पी ई, ग्रेप. यहाँ पे बच्चों ऐसे वापस सन आएगा यहाँ पे. तो एस जी आर ए पी ई एस, ग्रेप. सन दिखता नहीं है बट ड्रॉ कर लेना है. देन एलिफेंट तो ई, ग्रेप्स तो जी, ग्रेप्स तो जी. तो हो गया एग.
देन है बच्चों एप्पल तो ए, पैरट तो पी, पैरट तो पी, लायन तो एल, एलिफेंट तो ई, एप्पल। अब बच्चों यहाँ पे जो पजल का बॉक्स दिया है वो थोड़ा बाय मिस्टेक प्रॉब्लम है, तो हम एक्रॉस और डाउन लाइन का जो मीनिंग है वो सामने लिखा है, ये मीनिंग्स आपको याद करना है और एग्जाम टाइम पजल आएगा तो सॉल्व करना है। अ व्हीकल दैट टेक्स एस्ट्रोनॉट टू स्पेस, तो व्हीकल को क्या बोलते हैं, स्पेस क्राफ्ट। स्पेशल ड्रेस वॉर्न बाय एस्ट्रोनॉट्स, तो उसको बोलते हैं स्पेस सूट। एनी ऑब्जेक्ट इन आउटर स्पेस, तो सेलेस्टियल। स्टडी ऑफ द यूनिवर्स एंड द सेलेस्टियल बॉडीज, तो उसको बोलते हैं एस्ट्रोनॉमी। इंस्ट्रूमेंट यूज टू ऑब्जर्व सेलेस्टियल बॉडीज, तो उसको बोलते हैं टेलीस्कोप। अ स्पेस एंटायरली एम्प्टी ऑफ ऑल सब्सटेंस, तो उसको बोलते हैं वैक्यूम, जो स्पेस सूट के अंदर होता है। अब बच्चों देखो, मैंने आपको ये वर्कशीट का ऑब्जेक्टिव सब एक्सप्लेन किया है और ये जो आपको है बॉक्स में फिलअप नहीं करना है, सामने आंसर लिख लेना और याद रखना है। और मैंने आपको पूरा एक्सप्लेन ऑब्जेक्टिव किया है। अब ये ऑब्जेक्टिव्स आपको होमवर्क में आपकी जो वर्कशीट है उसके अंदर कंप्लीट करना है। और ये बच्चों पिक्चर, यहाँ पे पिक्चर के मुताबिक मैंने दिया है, पी तो पैरेट, एल तो लायन, बट एग्जाम में पिक्चर होगा वही, वो लेटर नहीं होगा, वो अलग अलग होगा। तो अलग पिक्चर से आपको देखना है कि ये पिक्चर पे कौन सा लेटर दिया है, तो वो लेटर आपको लिखना है और वो लेटर आपको यहाँ पे फिलअप करना है। बच्चों थैंक यू चिल्ड्रेन, यू फिलअप दिस इन योर वर्कशीट।